हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन डॉट कॉम। आज हम बनाएंगे साबुदाने के पापड़ बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं साबुदाने के पापड़ बनाना। साबुदाने के पापड़ बनाने के लिए मैंने लिए थे, देखिए, एक कटोरी ये साबुदाने और ये छोटे वाले साबुदाने थे। तो इसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया और धोने के बाद मैंने साबुदाने से थोड़ा ऊपर पानी था तो इसको मैंने ओवरनाइट इसको मैंने भिगो दिया है। तो देखिए ये अच्छे से भीग चुका है और देखिए ये सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, तो मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही इसमें और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। साबुदाने के पापड़ को मैं बनाऊंगी भाप में। तो मैंने कढ़ाई में देखिए 2 से 2.5 गिलास पानी रख दिया है। अब मैं एक स्टैंड ले रही हूँ, तो स्टैंड को देखिए मैं इस तरह से रख रही हूँ उल्टा करके। अगर आपका स्टैंड छोटा है तो सीधा करके इसमें रख सकते हैं। और हम एक थाली चेक कर लेंगे, देखिए इस तरह से थाली हमारी कढ़ाई के अंदर अच्छे से आ जाए। तो और इसको हम इस तरह से ढक देंगे जिससे हमारी भाप बाहर नहीं निकलेगी। तो इसे मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। पापड़ को मैं बनाऊँगी थाली में। तो देखिए मैं थोड़ा सा तेल इसमें ग्रीस कर ले रही हूँ इस तरह से। पूरी थाली को अच्छे से हम ग्रीस कर देंगे। अब ले लेती हूँ मैं ये चूड़ी। चूड़ी हमारे घर में आसानी से मिली जाती है। तो देखिए इस तरह से मैं चूड़ी को सेट कर लूंगी। तो देखिए 8 चूड़ी मैंने इसमें सेट कर दी है। तो जो हमने ये साबुदाने में नमक मिक्स करके रखा है, तो देखिए इसको हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, बिल्कुल इक्वल इसको फैला दें। हाथ से भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए एक पापड़ को मैंने इसमें फैला दिया है, इसी तरह से हम देखिए दूसरा पापड़ भी इसमें फैला देते हैं। और आप थोड़ा थोड़ा ही डालें और इसको बस इस तरह से स्प्रेड कर दें अच्छे से। देखिए सभी साबुदाने को पापड़ को देखिए मैंने चूड़ी में इक्वल रख लिया है। तो अब हम इन चूड़ियों को बड़ी आसानी से इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए पापड़ में से सभी चूड़ियों को मैंने निकाल लिया है और इधर हमारा कढ़ाई में पानी भी गर्म हो चुका है। देखिए पानी अच्छे से उबल गया है। तो बड़ी सावधानी से देखिए इस थाली को मैं इसमें रख देती हूँ इस तरह से और इसे मैं फिर से ढक दूंगी कि इसकी भाप ना निकले 4 मिनट के लिए। 4 मिनट के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। जब तक हमारे वो पापड़ बन रहे हैं तो हम दूसरी थाली में भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो पहले हम थाली में तेल लगा देते हैं, ग्रीस कर लेंगे इसे अच्छे से। 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए पापड़ को भी चेक कर लेते हैं। देखिए पापड़ हमारे बन गए हैं। तो इसे बड़ी सावधानी से बाहर निकाल लेती हूँ। और दूसरी थाली में मैंने इसे सजा दिया था तो इसको भी इसमें रख देते हैं फिर से 4 मिनट के लिए। पापड़ देखिए हमारे ठंडे हो गए हैं। इसे हम किसी झावे की सहायता से इस तरह से देखिए निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से निकाल लेती हूँ और एक प्लेट में मैं देखिए इसको इस तरह से पॉलीथिन पर रखती जाऊँगी। पॉलीथिन पर मैंने हल्का सा तेल लगा लिया है। तो इसी तरह से सभी पापड़ों को इसको निकाल के देखिए 2 बार के साबुदाने के पापड़ को मैंने बना के इस तरह से प्लेट में पॉलीथिन बिछा के इसको रख दिया है। और इसे अब मैं 2 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखा लूँगी। देखिए पापड़ हमारे सूख गए हैं तो इसे मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ आपको। फ्राई करने के लिए देखिए मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। तो मैं एक पापड़ डाल देती हूँ इसमें। देखिए पापड़ हमारा कैसा फूल गया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल पापड़ लग रहा है। देखिए पापड़ मेरा सिक गया है तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी की भी इसी तरह से फ्राई कर लूंगी।
देखिए पापड़ को मैंने सेक लिया है और एकदम देखिए क्रिस्पी पापड़ बने हैं, तो मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए पापड़ हमारे बनके रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी एकदम मार्केट स्टाइल पापड़ बने हैं। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।